21 दिन के लॉकडाउन का आज पहला दिन है। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सड़कों पर है, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस लगातार अलग अलग जगह पर चेकिंग कर रही है। जनाब, ये किस तरह की चेकिंग हो रही है, कौन है, ये क्या बता रहे हैं, बताए क्या नहीं तो बताए। ये किन्नौर जाएंगे और पैदल जाना चाह रहे हैं, इनके पास कोई व्हीकल नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? किन्नौर। किन्नौर जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? किन्नौर जाना मजबूरी है, क्या करें, किन्नौर जा रहे हैं हम तो। कहाँ पड़ता है ये? यूपी में पड़ता है, बदायूं के पास, बदायूं तो पहले। तो आप पैदल ही जा रहे हैं? पैदल जाना मजबूरी है, क्या करें। क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं आप? गोलगप्पे काम करते हैं, तिलक नगर। दिल्ली तिलक नगर, क्या काम करते हैं? गोलगप्पे का काम करते हैं। आप क्या काम करते हैं? हम भी सर एक ही काम करते हैं, एक ही। आप लोग क्यों घर जा रहे हैं, जब आप लोग जहाँ रह रहे थे वहाँ क्यों नहीं रह रहे? माल भजिया रात गाँव। अच्छा, हम तो नौकरी करते हैं, क्या करेंगे, कुछ खाने को नहीं है, क्या खाएं। क्या नाम है आपका? मनवीर। तो आप लोग पैदल ही निकल पड़े हैं? पैदल निकलने क्या खाएं बताओ हम फिर। ये देखिए, ये हालात है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस है उसने रोका भी, लेकिन अब सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस भी आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि ये लोग खुद पैदल जाना चाहते हैं। जनाब, तो क्या करेंगे इनके लिए? चलिए अब ज्यादा नहीं बताएंगे। देखिए, इस तरह से लोग सड़कों पर हैं और ऐसी अफरा तफरी कुछ लोगों में मची हुई है, जबकि घबराने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा बार बार प्रधानमंत्री कह चुके हैं। बावजूद उसके देखिए, ये दो लड़के हैं, क्या नाम है अपना बताइए? बिंटू। आपका नाम? मनवीर। मनवीर, ये दोनों शख्स हैं, ये पैदल ही जाना, कितना किलोमीटर होगा यूपी में किन्नौर? हमारा गांव यहाँ से तिलक नगर से 160 किलोमीटर है। 160 किलोमीटर है, लेकिन हालत ऐसी है कि पैदल ही जाना चाहते हैं ये दोनों लोग। दिल्ली पुलिस की टीम ने इनको रोका और उसके बाद अब इनसे पूछताछ कर रही है, यहाँ पर इनको लेकर जा रही है यहाँ से। तो कुछ ऐसे हालात हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 160 किलोमीटर दूर पैदल ही अपने घर जाने के लिए बेताब है, जबकि ऐसे पैनिक की कोई अभी जरूरत नहीं है। अब पुलिस इनको जिप्सी में बिठा, घर वाले रो रहे हैं, क्या करें बताओ, घर वाले रो रहे हैं, क्या ना क्या जो घर पे आया हो बेटे तुम, अरे हम मर जाएंगे, क्या करें, जाना पड़ेगा हम तो काम को, बताओ, हमारी तो मजबूरी है, जाना ही बताओ सर। पूरी है, घर में पैसा ऐसा था तो ही दिल्ली में रुकते? पैसा भी तो नहीं है, मालिक घर बच गया, क्या करें बताओ, कुछ खाने को भी नहीं है, पैसा जाना मजबूरी, बताओ, घर वाले रो रहे हैं, फोन करे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मजबूरी तो है, घर जाना जरूरी है, घर वाले पागल हो रहे हैं, कह रहे हम मर जाएंगे, कहा तो घर पे आ जाओ। ये हालत है दिल्ली में फिलहाल, अब इनको हिरासत में लिया जा रहा है क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन है ऐसे में दिल्ली पुलिस की भी अपनी एक मजबूरियां हैं और इसी के तहत काम हो रहा है। कुछ लोग अपने जहां दिल्ली में है वहां से अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन हम सबको हिदायत यही दे रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी यही हिदायत दी है कि जो जहां है वहीं पर बना रहे। कैमरामैन प्रदीप के साथ अरविंद ओझा।